अलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे, अनदर ब्यूटीफुल नाइट। इस वक्त रात का वक्त है, अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। और इंट्रो मैं वैसे पहले रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन मैंने वो देखा, वो मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं आया। हालांकि मैंने वो किया था पहले भी, लेकिन अब मैंने सारा व्लॉग बना लिया हुआ है, लेकिन मैं इंट्रो फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो करते हैं इस व्लॉग को अब यहाँ से स्टार्ट। हम लोग बैठे हुए हम अपनी पुरानी वीडियोज देख रहे हैं लैपटॉप पे, जो मतलब कि आज से 7 साल पहले की है, तो वो देख के इतना फनी लग रहा है। और छोटे भाई को और खुद को मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मैं हूँ। अपनी बहन को कह रही हूँ कोई एक तस्वीर दिखाओ जो मैं सबको दिखा सकूँ, ये नहीं दिखाऊंगी। मीम बन जाएगी मुझ पे। मैं इसको कह रही हूँ मेरी कोई ऐसी तस्वीर दिखाओ जो मैं सबको दिखा सकूँ, तो ये बुरी से बुरी खोल रही है। मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी जो दिखाने के काबिल हो। कभी नहीं, इतनी बुरी है ये तो कभी भी नहीं मैं ये दिखाऊंगी। दिखा दे तो, सच्ची दिखा दूँ? अच्छा चलो दिखाई, यही वाली दिखा देती हूँ। गेस हु इज शी, मैं क्लोजअप लेती हूँ इसका, गेस करेंगे कौन है। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं तो नहीं हो सकती, मैं ऐसी थोड़ी हूँ। लेकिन मैं ऐसी हूँ। बाप ने मुझे 2 परफ्यूम गिफ्ट की, तो मैंने कहा आप लोगों को क्यों दिखा, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि वो कौन सी थी, और दोनों ही बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरी पता क्या आदत है, मेरी ये आदत है कि इफ समवन गिफ्टेड मी समथिंग आई विल नेवर यूज़ इट, मैं उसको कभी भी यूज़ नहीं करती, मैं बल्कि उसको संभाल के रखती हूँ एज अ मेमरी। जबकि मैंने देखा है कि जिसको भी गिफ्ट मिलता है वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। लेकिन हाँ, कि अगर मेरे घर में मुझे परफ्यूम कोई गिफ्ट करे ना, तो वो सब घर वाले यूज़ कर लेते हैं। और अभी क्या हुआ कि बाबा ने मुझे परफ्यूम दी और मैंने निकाली, सब ने देखी, और उसके बाद मैंने उसको दोबारा वैसे ही पैक वुक करके उसको रख दिया। और मेरी मामा कहती कि ये किधर रख दी तुमने, अभी सब लगाएंगे। अच्छा क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जी, तो अच्छा जी, तो वो दो थी, एक ये वाली और एक ये वाली बहुत मजे की, लाइक bomb.com, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है दूसरी वाली। लेकिन मेरे घर वालों को हमेशा मुझसे ऑपोजिट खड़े होने होता है, उनको ये वाली अच्छी लगी, उनको ये अच्छी लगी, मुझे ये अच्छी लगी। ऐसे आई नोटेड वन थिंग कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, वो मेरे घर वालों को अच्छी नहीं लगती। लाइक मेरी सारी जो बहनें और मेरी मम्मा एक साइड पर और मैं फिर एक साइड पर, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरी पसंद सबकी पसंद से अलग होती है। अच्छा खैर, मैं पहले ये वाली खोलती हूँ, आपको ये वाली दिखाती हूँ, फिर मैं ये वाली खोलती हूँ, आप लोगों को ये वाली। ये जो मेरे सब घर वालों को पसंद आया है, ये कौन सा वाला, क्या नाम है इसका, मैंने नाम भी नहीं लिखा, देखिए क्या बात है मेरी, पैशन चाउमिन ये वाला। और इसकी भी खुशबू एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये उल्टा दिखा रही थी, ये बहुत अच्छा है। और दूसरे वाला खोलती हूँ, वो भी दिखाती हूँ क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। और जो वो दूसरे वाला है, ये बहुत बेस्ट है, ताकि ये सब यूज़ करें, उसको रखेंगे पीछे, इसको रखेंगे आगे, ताकि सब ये वाला यूज़ करें, वो मेरे लिए छोड़ दें। और ये इन दोनों को रखूँगी मैं संभाल के, क्योंकि बाबा मुझे जब भी कुछ लेते हैं ना, तो मैं कुछ नहीं फेंकती। इवन के आपने वो देखा है रिबन जो गिफ्ट के ऊपर हम लोग रैप करते हैं, मैं वो तक नहीं फेंकती, मैं गिफ्ट रैप तक नहीं फेंकती। वो हर चीज़ मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है, नॉट इवन बाबा का, मुझे कोई भी देगा आई विल नेवर थ्रो, नेवर। उसकी मुझे गिफ्ट कितनी कदर होती है। खैर थैंक यू बाबा, मैं बाबा को किसी दिन व्लॉग में लूँगी, बाबा को मैं बोलूँगी। अभी बाबा को मैं कैमरा, क्योंकि मेरे बाबा कैमरा फ्रेंडली नहीं है, यूज़ टू हो जाएंगे कैमरे के साथ, तो मैं उनको ज़रूर व्लॉग में लूँगी, उनसे बात नहीं करूँगी। मेरे घर में बच्चे ही बच्चे जमा हुए। तो आज क्या बना घर में, कद्दू, और कद्दू के अंदर क्या था, ऐसे ही हम लोगों को खानी पड़ेंगी कबाब, क्योंकि कबाब के साथ हमें चटनी लेनी थी, दही घर में ख़त्म हो चुका था। क्यों ख़त्म हो चुका था, क्योंकि सारा दही ये खा गया, सारा दही रात को ये खा गया, और दही ख़त्म हो चुका हमारे घर में। अब चटनी के लिए इसको भेजा कि बाहर से ले आओ कोई, लेकिन बाहर से भी नहीं मिली। अब हमें उसको ऐसे ही खाना पड़ेगा जो मुझे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता खाने का। तुम्हें आता है मज़ा, आपको आता है, फिर आप मेरी खा लो, है तो मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर हम बाकी का ब्लॉग करती हूँ। मम्मा यू नेवर नो कि मेरे पेट की इस वक्त क्या हालत है। बस अभी आ रही हूँ ना। नहीं आ रही, आप नहीं आ रही, आप सारे काम करके आएंगी। और तो ले लो, पहले ले लूँ ना। नहीं लाऊंगी, क्यों टेंशन ले रही हूँ, मुझे पता है। लेकिन मामी मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। अब आ रही हूँ,
अभी खाना खा लीजिए आपके साथ। अभी मामा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गई, अब हम 1 बजे नाश्ता करेंगे। ये हमारा नाश्ता है 1 बजे? कौन सा नाश्ता होता है 1 बजे? हमारा नाश्ता होगा, नाश्ता करके हम रात का कपड़े भी तो धोने थे ना। हाँ ठीक है, कपड़े भी मम्मा ने धोने। अभी हम 1 बजे नाश्ता करेंगे, फिर हम 7 बजे खाना खाएंगे, और फिर हम लोग 3 बजे चलिए 3 बजे देखेंगे। अच्छा चलो जी। तो फाइनली फाइनली मगरिब की नमाज से लेकर अभी इशा की नमाज के बाद से लेकर 12 बजे तक की मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो निकल आया, और मेरी खाला को फाइनली बहुत सारे कपड़े पसंद भी आ गए हैं। बहुत मुश्किल से ये बहुत हमारा लंबा टास्क होता है जो मेरी खाला आती है। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी खाला को कौन कौन से कपड़े पसंद आए हैं। तो मेरी खाला भी ऐसी नहीं। अच्छा ये जो सारे हैं ना, ये सारे मेरी खाला को फाइनली पसंद आ गए हैं। और ये जो पड़े हुए हैं, और ये भी मेरी खाला को। कल मैं व्लॉग बना रही थी जिसमें आई वॉज शोइंग माई खाला और मम्मा बैठे हुए थे, तो सब कुछ जा रहा था। ये मक्खी को देखो, सब कुछ जा रहा था वहाँ पर। ओके ठीक है। जैसे ही मेरी खाला को ये चीज़ पता चली कि मम्मा ने उनको बताया कि आपके बेटे जब देखेंगे, बेटे मीन्स मेरे कज़न देखेंगे कि हमारी मम्मा भी यूट्यूब पर आ गई हो, ये सब, तो ना वो उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी पैनिक हो गई। और यार मुझे पता है, मुझे पता है मुझे किसको दिखाना है और मुझे किसको नहीं दिखाना। आई नो द प्राइवेसीज। अब जो फिर मैंने ना जब कैमरा बंद किया तो मैं उनके पास बैठी हूँ, मैंने उनको ये चीज़ क्लियर की, मैंने उनको ये चीज़ समझाई कि मुझे पता है हर किसी को तो ज़ाहिर है अलाउ नहीं होता कि उसने यूट्यूब पर आना ही आना है और उसने वीडियोस में आना ही आना है। सो मैंने उनको ये चीज़ क्लियर की कि मैंने आपका फेस बिल्कुल नहीं दिखाया, और अगर कहीं पर आपका फेस आया भी तो आई विल कट डैट, मैं उसके ऊपर इमोजी लगा दूँगी, मैं उसको ब्लर कर दूँगी। मैंने उनको तसल्ली दी तो वो थोड़ा सा उनका जो पैनिक था वो थोड़ा कम हुआ। और बस ऐसे ही अब मैं जो हूँ, मेरे घर वाले बहुत नॉर्मली बिहेव करेंगे, और जैसे ही मैं कैमरा खोलूँगी, हाँ जी मैं आती हूँ, तो जैसे ही मैं कैमरा खोलूँगी तो मामा तो कुछ बोलेंगे नहीं, मामा हंसने लग, मामा हंसती रहेंगी कैमरे के आगे। बड़ी बहन मुझे कहती है कितना तुम मेरा फेस नहीं दिखाओ, ठीक है। अब मैं उसको भी नहीं दिखाती, मैं इसको भी नहीं दिखाती, मैं मतलब फिर यही बात है कि अगले 5 साल तक ना आप मुझे ही देखें, ठीक है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी और मामा को भी दूँगी, चाय पार्टी करेंगे मामा और मैं मिलकर। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ फिलहाल यहीं पर एंड, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।